बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, अब हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में मैं आज आपको पृथ्वी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, स्टोरी ऑफ अर्थ। अर्थ हमारा ग्रह है, आप जानते हैं, जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, है ना। तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ जो लिखे हैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक से पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि रीडिंग इंसान को परफेक्ट बनाती है। इसलिए अभी मैं आपको बस एक्सप्लेन इसलिए करूंगी ताकि आपको एग्जाम में इनके क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, पहला, 4.6 अरब वर्ष पहले गर्म गैस का गोला। पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पहले क्या थी? एक गर्म गैस का गोला, फिर पिघल के थोड़ा सा सिकुड़ गई और फिर ठंडे बर्फ के गोले के रूप में जम गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? 25 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया व पेंथलासा बने। पेंजिया यानी जो ग्रह था पूरा, उसे हमने, वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया, और जो महासागर था, जो पानी वाला हिस्सा था, उसे पेंथलासा नाम दिया। ठीक है, फिर 18 करोड़ साल पहले पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हो गए। तो टुकड़े होते होते फिर क्या बने? महासागर और महाद्वीप। ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर जो अफ्रीका और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया था, उसको क्या हुआ? वो एशिया से टकराया। एशिया से टकराने के बाद क्या हुआ? पृथ्वी का जो कुछ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठने लगा, और उसके कारण कौन सा पर्वत बना? हिमालय, जिसे हम कहते हैं ना कि उत्तर दिशा में हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, है ना। तो वो हिमालय महाद्वीप के टकराने से बना था। कौन कौन से महाद्वीप है वो? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। एशिया वाला कौन सा महाद्वीप है? जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, है ना, और सबसे बड़ा है महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट इज, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से उत्तर की ओर बढ़ा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, जिनके कारण ये किससे टकराए? एशिया से। और फिर इसके बाद क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका व जो ऑस्ट्रेलिया है, उन दोनों के बीच टकराव से यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में दरार पड़ गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कुछ पॉइंट्स जो हैं समझ आए होंगे। बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो मैं वर्कशीट दूंगी उसे सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। एंड यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के बीच टकराव से उनके बीच दरार आ गई। उस दरार के बाद कौन सा जो मतलब हमारा जो महाद्वीप है वो टुकड़ों में बट गया, और जो उसके बीच महासागर का निर्माण हुआ उसे हम सब अटलांटिक के नाम से जानते हैं। अटलांटिक महासागर बहुत विशाल है, प्रशांत सबसे बड़ा है, लेकिन अटलांटिक भी काफी विशाल महासागर है, और आपसे विश्व के 5 प्रसिद्ध महासागरों के नाम में से एक है। तो आप सभी जो महासागर और महानदियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियोस में, लेकिन तब तक आप स्टोरी ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कहानी का अभ्यास करेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। और वैसे भी आप सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अंग इंडिया NGO चैनल। थैंक यू।